खिलौनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पक्ष है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है। ये है टॉयज और गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था, टॉयकोनॉमी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आंकड़ों की ही बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हमारी कला है, जो हमारे कारीगर हैं, वो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी समाज में बड़ी संख्या में है। हमारे ये साथी बहुत सीमित संसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपनी बेहतरीन कला से निखार कर अपने खिलौनों में ढालते रहे। इसमें भी विशेष रूप से हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करें और खिलौनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, ये भी आवश्यक है। टॉयकेथॉन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है।